नमस्कार, मैं हूं तोरण और आप देख रहे तत्काल न्यूज लाइव। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में कोरोना कहर लगातार जारी है। फरीदाबाद के लगभग सभी शमशान घाटों में अब दाह संस्कार के लिए जगह नहीं है। शमशान घाट के अंदर जगह न होने के चलते शवों के दाह संस्कार शमशान घाट की कार पार्किंग में करना पड़ रहा है। लेकिन एक साथ जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया, तो विरोध के देखते हुए पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जैसे तैसे लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। बता दें कि शमशान घाट में दाह संस्कार करने की वजह से हुआ धुआं लोगों के घरों में घुसने लगा, जिसका स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। जिसके बाद इस विरोध को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की समस्या को देखते हुए इस समस्या का समाधान करते हुए शवों का दाह संस्कार पार्किंग स्थल न करने का फैसला लेते हुए शवों को दाह संस्कार शमशान घाट के अंदर ही करने का फैसला लिया और लोगों को समझा बुझाकर शांत करा। वहीं इस मौके पर शमशान घाट में दाह संस्कार कराने वाले पंडित ने बताया कि रोजाना 3 से 4 शव ही दाह संस्कार के लिए आते थे, लेकिन अब दर्जनों शव यहाँ दाह संस्कार के लिए आने लगे हैं, जिसमें कोविड से मरने वाले की संख्या ज्यादा है। वह लोगों से अपील करते हैं कि कोरोना को हल्के में ना लें, कोरोना से बचाव करें। फिलहाल स्थानीय लोगों की समस्या को देखते हुए मृतकों का दाह संस्कार शमशान घाट के अंदर ही करने की व्यवस्था बनाई जाए, ताकि स्थानीय लोगों को इससे दिक्कत ना झेलनी पड़े।